हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बढ़िया होगे और मैं भी ठीक हूँ। यार जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी थोड़े दिन पहले, और उस वीडियो में मैंने एक अपने दोस्त का जिक्र किया था जो नेपाली था, जिसका यहाँ पे मर्डर हो गया था। तो उस वीडियो को डालने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा यार इंस्टाग्राम और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मुझे पूछने लगे लोग कि यार आपके फ्रेंड के साथ क्या हुआ था, तो प्लीज़ डिटेल में बताएं। तो फिर मुझे भी लगा कि यार नहीं बताना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे कैसे आपको लोग यहाँ पे मिलते हैं, तो मेरे लिए भी ये टॉपिक ज़रूरी हो गया। तो आज की इस वीडियो में आपको उसी फ्रेंड के बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि यार उसके साथ क्या हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हैं, जो ऐसे लोग होंगे जो आपको ऐसे दोस्त बनेंगे, तो इन ऐसे दोस्तों के साथ कैसे आप दूर रह सकते हैं और अपने फ्यूचर पे फोकस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसे हम बात करेंगे। तो ठीक है, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार जैसे कि जब मैं यहाँ पे आया था ना, 2019 में अक्टूबर में आया था मैं, तो जैसे कि जो स्कूल की तरफ से जो डॉर्मेटरी देते हैं तो अकेले बंदों के लिए तो मिलती नहीं, उसमें दो तीन बंदे होते हैं। तो मैं था और एक में लड़का था और एक ये जो नेपाली था, एक ये था। तो उस लड़के का नाम यार सुजन है, और जिसके जिनके ऊपर ये ब्लेम आया है मर्डर का, तो उसका नाम मैं नहीं बताना चाहता यार। तो यार उनका नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि यार देखो उनके ऊपर ब्लेम आया है कि उन्होंने मर्डर किया है, बट ना मैंने देखा है ना आसपास के लोगों ने देखा है, दोस्तों ने, तो इसीलिए उनका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। तो जिनके ऊपर ब्लेम आया है तो वो तो यार पुलिस रिमांड में है शायद अभी तक, और उनके साथ क्या हुआ ये भी नहीं पता। तो बात करते जैसे कि जब मैं यहाँ पे डॉर्मेटरी में आया था ना, तो वो भी एक रूममेट था, हम दो बंदे इंडियन थे और वो नेपाली था। तो जितने भी नेपाली थे ना, हम सेकेंड फ्लोर में रहते थे सारे इंडियन, और फर्स्ट फ्लोर जो थे डॉर्मेट्री तो वहाँ पे सारे नेपाली रहते थे। तो उसको हमारे साथ कर दिया, तो वो मेरा पहले रूममेट भी था, बट वो हमारे रूम पे कभी आता नहीं था। वो नीचे जो नेपाली रहते थे उसके एक दो दोस्त रहते थे, तो उन्हीं के साथ रहता था। हाँ, वो ड्रिंक ज़्यादा करता था, दारू वारू ज़्यादा पीता था, तो उसके जो दोस्त थे वो भी दारू वारू ज़्यादा पीते थे, ड्रिंक करते थे, तो उन्हीं के साथ रहता था। कभी कभार आता था वो रूम पे हमारे, वो जैसे सामान उसका पड़ा हुआ था तो वही वो लेने देने आ जाता था, बट वो अब बहुत कम आता था। वो 3 महीने की डॉर्मेटरी मिली थी, वो 1 से या 2 दिन वो वहाँ पे सोया होगा हमारे साथ, नहीं तो सोया नहीं। तो उससे मैंने पूछा कि यार सुजन क्यों नहीं आता, तो बस वो बोल देता था कि यार नीचे दोस्त लोग रहते हैं इसलिए उनके साथ रहता हूँ। तो कभी आया नहीं, बट वो जब भी जब कभी कभार आता था तो यार बातचीत होती थी, तो थोड़ा सा भी बातचीत हो यार या ना हो, अगर आसपास में कोई रहता तो वो यार दोस्ती हो जाता यार। तो ऐसे जब नीचे मैं कभी घूमने फिरने जाता था तो बातचीत करते थे, तो वही थोड़ा सा बातचीत ज़्यादा बढ़ने लगी तो दोस्ती थोड़ी सी और बढ़ने लगी। तो जब डॉर्मेट्री ख़त्म, मतलब 3 महीने की डॉर्मेट्री मिली थी, उसके बाद में वो कहीं पे और शिफ्ट हो गए, बट हम लोग वहीं पे सारे जितने भी ज़्यादातर इंडियन वो वहीं पे थे, बाकी वो अलग जगह पे शिफ्ट हो गए, तो वो वहाँ पे भी शिफ्ट हो गए। तो फिर उससे ज़्यादा बातचीत कम ही होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी। तो जब वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे तो उसका ना एक जैपनीज फ्रेंड बन गया था। वो एक्चुअली जो जैपनीज है वो फॉरनर को लाइक करता है, और अपने उसकी गाड़ी वगैरह थे तो घुमाने फिराने लेके जाता है। जब ये मतलब ये सुजन और उसके एक दो दोस्त थे तो घूमने फिरने जाते थे, तो फेसबुक वगैरह में वीडियो वीडियो या फोटोज वोटो डालते रहते थे। तो मैंने भी बोला यार कहाँ पे घूमने जाते हो मुझे भी बताया करो, मैं भी चलूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से यार घूमने का शौक रहा है। तो वो लोग फिर मुझे वही जो जैपनीज था उससे मिलाया, फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा घूमने लगे यार। तो और भी यारी दोस्ती होने लगे, साथ में खाना पीना होने लगा, उठने बैठने लगे, काफ़ी ज़्यादा यारी दोस्ती बढ़ गई। तो फिर मैंने उसके साथ एक दो वीडियो भी बनाई, यूट्यूब में डाला था, तो सब लोगों को पता था कि मतलब मैं और वो एक और फ्रेंड था और वो सुजन और वो जैपनीज, हम 4 लोग 5 लोग हमेशा घूमते रहते, तो सब लोगों को पता था। फिर जब कुछ टाइम के बाद उसके जो रूममेट था जो साथ में घूमता था वो यहाँ से चला गया, कहीं और पे शिफ्ट हो गया, तो वो अकेले रहने लगा। तो जब अकेले रह रहा था तो उसके साथ में दो दोस्त और आ गए, नेपाली ही थे। जब मैं यहाँ पे रहने लगा और वो यहाँ से दूर है, तो फिर आना जाना बहुत ही कम हो गया, लेकिन हाँ कभी कभार जाता था जब घूमने फिरने का मूड करता था, तो जब साथ में जाते थे। तो उसके 3 दोस्त रहते थे, और एक दोस्त तो जो उसका था वो मेरे साथ काम भी करता था, जहाँ पे मैं भी काम करता हूँ वो 2-3 महीने वहाँ से वहाँ पे काम भी किया। यार वो लड़का तो अच्छा था, मतलब कि पता नहीं क्यों ऐसा किया या नहीं किया, पता नहीं भगवान जाने, बट ब्लेम तो है उसके ऊपर कि नहीं इसी ने किया है और एक है। तो उससे साथ मेरे वो भी मेरा दोस्त ही बन गया था, क्योंकि साथ में काम करते, तो वो भी दोस्त जैसे ही बन गया था, लेकिन वो कोई खास नहीं था मेरा।
क्या हुआ कि फिर मैं चला गया था दिसंबर में इंडिया। फिर इंडिया में जब मैं 4-5 दिन के बाद मैं अचानक से एक पोस्ट देखता हूँ, वही जो जैपनीज था उसी ने अपने उसमें फेसबुक में पोस्ट डाला कि मतलब इसका सुजन का यहाँ पे मर्डर हो गया है। मैं तो भाई बिल्कुल से शॉक्ड रह गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, तो मैं भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने वही जो जैपनीज ने पोस्ट डाली थी, फिर मैंने उसको मैसेज किया तो उसने मैसेज में कंफर्म किया हाँ, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं शायद देख लिया हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, मान लो लड़ाई झगड़ा हो गई होगी। वही एक लड़के के ऊपर जो ब्लेम आया है, जो मेरे साथ काम करता था, तो वो कभी कभी मुझे बताता था कि यार हमारी लड़ाई हो जाती है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं, उसको मेरी ये चीज़ पसंद नहीं। तो मैंने एक बार उसे बोला था कि यार जो चीज़ नहीं पसंद है उसे मत करो, या फिर अलग अलग रहो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जब भाई मैं उसके पोस्ट देखता हूँ, जब कन्फर्मेशन लेता हूँ, जब थोड़ी बहुत मुझे भी कन्फर्म होता है कि नहीं शायद ये होगा, तो मैं और लोगों को फ़ोन करने लगे यहाँ पे जापान में जो रहते हैं, तो उनको किसी को नहीं पता था। वो कहते हमें किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, वो बोलते थे हमें किसी को नहीं पता। और मुझे रात रात में यहाँ से भी कॉल जाने लगे, कि जैसे मैंने एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने भी पूछा किसी और से, कि तो उन्होंने पूछा कि कौन बताया, तो मेरा नाम लिया गया कि इसने बताया, तो और मुझे यहाँ से कॉल आने लगे। फिर उसके भाई फैमिली में बात पहुँची, तो उसके फैमिली से मुझे रात रात को कॉल आने लगे, 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक उसके यार दोस्तों के वहाँ से नेपाल से कॉल आने लगे। तो मैंने बताया कि यार मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने भी यहाँ पे फेसबुक में पोस्ट देखी है, तो आप प्लीज़ एक ये बंदा जैपनीज है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कॉलेज जहाँ पे पढ़ता है उससे कांटेक्ट करें, बट मुझे नहीं पता। हाँ मैंने भी सुना है, तो मैं दूसरों से कंफर्म किया, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या हुआ या नहीं हुआ। उसी बीच मुझे और एक जैपनीज का फ़ोन आता है, यहीं पर रहता है, तो उसने मुझसे पूछा कि यार सुजन का कहाँ है। तो उसका और भी पहले मुझे एक दो बार सुजन का बारे में पूछने के लिए कॉल आया था, क्योंकि उसका कॉल वगैरह नहीं लगता था, तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसे शायद वहाँ पे जापान में हो गया, मैं तो इंडिया आया हूँ लेकिन सुजन के साथ शायद ऐसी बात हो गई। उसने पूछा कि कैसे हुआ, कुछ पता? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। मैंने उसको ना ऐसे ही बोल दिया कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट पता लग रहा है कि शायद उसके रूममेट जो थे उन्होंने किया। तो फिर उसने मुझे बताया कि तुझे किसने बताया? मैं कहा नहीं, ऐसे गेस कर रहा हूँ, और मुझे वो एक जो जैपनीज रहता है उसने बताया। तो कहता है अगर नहीं पता तो नाम किसी का मत लो। तो फिर मैं उस टाइम से भाई बिल्कुल ही बंद कर दिया था नाम वाम किसी का लेना। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यार रात रात में कॉल आने लगे, परेशान हो गया था मैं। मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ वहाँ पे, और लेकिन फिर कंफर्म हुआ बाद में, धीरे धीरे हुआ। फिर मैंने उसको फैमिली से तो नहीं कॉन्टेक्ट हुआ, उसके यार दोस्त थे जो नेपाल में थे उनको फिर मैंने कन्फर्मेशन दिया कि यार ऐसी ऐसी बात हो गई और इनके ऊपर ब्लेम है, तो उनके घर वालों को बता दो। तो फिर पता लगा यार थोड़े दिन बाद कि जब से उसकी मम्मी को पता लगा, उसकी मम्मी अभी तक भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे यार, उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फैमिली हिल गई यार, वो क्योंकि वो यार अकेला लड़का था, तो प्रॉब्लम होती है यार जब अकेला लड़का हो और उसके साथ ये हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ से कोरोना भी था, तो बॉडी तो फ्लाइट वगैरह में लेके जा नहीं सकते, तो वो भी नहीं, शायद बॉडी भी नहीं गई, यहीं पर जो हुआ सब कुछ हुआ। और बेचारा 2-3 साल 2 साल रहा यहाँ पे और उसके साथ ऐसा हुआ, तो गलत हुआ। लेकिन जो तो न्यूज़ में बताया गया था कि वही दोनों लड़के के नाम थे, और बताया गया था कि गर्दन में ना उसके रस्सी ऐसे लपेट के दोनों लोग ने ऐसे खींचा था, तो तब उसके मतलब की डेथ हुई। तो यहाँ की पुलिस ने जब उनको रिमांड में लिया था ना दोनों के, तो दोनों लोग से अलग अलग पूछ रहे थे, तो दोनों लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हमने किया। तो काफ़ी दिन तक मतलब उसके पुलिस उसके रूम के बाहर पुलिस रहती थी, कोई आता जाता नहीं था। और जब मैं आया था तब तो मैं भी नहीं गया था वहाँ पे, लेकिन पता लगता था कि वहाँ पे पुलिस रहती है आसपास, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो काफ़ी दिन तक चलती रही बात, कुछ दिन रिमांड में लेते थे फिर छोड़ देते थे, फिर घर में पहरा लगता था। क्योंकि यार देखो यहाँ पे पुलिस का ये था कि यार जिसने किया है उसको सजा मिले, दूसरों को क्यों मिले। लेकिन फिर बाद में शायद पता लगा कि दोनों ने मिलके किया है। और जब मैं इंडिया से यहाँ पे वापस आया ना, तो मुझे काफ़ी लोग बोलते थे कि तू नहीं था तो अच्छा हो गया, नहीं तो तू भी लपेटे में चला जाता। बट ऐसा नहीं है यार कि यहाँ के पुलिस और यहाँ के लोग ऐसे नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में लपेटे। तो यार यही इसमें से एक सीख मिलती है कि मैंने भी अगर मैं बताऊँ अपने एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस मुझे हुआ। पहले लोग ना मतलब पार्टी करेंगे, बर्थडे पार्टी करेंगे, सब करेंगे, वो सब अच्छी बात है, यार इन्जॉय करनी चाहिए लाइफ को, बट एक लिमिट में करनी चाहिए, एक हर चीज़ की लिमिट होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि यार जैसे पार्टी करते जो दारू पीते, दारू पीने के बाद ना ओवर हो जाता है, तो फिर वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं। जब मैं पहले वहाँ पे रहता था वहाँ पे भी कई बार 2-3 बार पुलिस आई, और यहाँ पे भी जहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ पे भी एक बार पुलिस आई। यहाँ पे तो एक बार क्या हो गया था कि ऐसी लड़ाई हो गई थी, तो लड़ाई होने के बाद वो लड़के का नाम नहीं लूँगा मैं,
लड़ाई होने के बाद उसने एक लड़के ने भाई दो तीन लोगों ने थोड़ा सा मार दिया थप्पड़ थप्पड़, फिर एक लड़के ने अपने आप ही चाकू वाकू मार लिया, हर जगह कम बहुत ज्यादा ब्लड ब्लूड निकलने लगा। तो जब उसने चाकू वाकू मार लिया था तो मैंने देखा उसे, मतलब उसने ना एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था, तो मैं उसको लेके एम्बुलेंस तक लेके गया। जब एम्बुलेंस आएगी तो पुलिस आएगी, तो पुलिस भी आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो वो तो भाई सब बेहोश जैसे ही हो गया था। तो भाई साहब यहाँ पे भी पुलिस आ गई, पूरी बिल्डिंग को बिल्डिंग सील कर दिया। फिर तो पुलिस फिर मुझे पकड़ के ले गई, मतलब पकड़ के क्या ऐसे ही ले गई पूछताछ करने के लिए कि क्या हुआ तो बता। तो मैंने बोला भाई मैंने देखा तो सब कुछ था, बट मैंने बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे पता था ये अभी के लिए सुबह सब कुछ ठीक हो जाना है, तो इसलिए मैंने बोला मुझे कुछ नहीं पता। बट उन्होंने पुलिस वालों ने मुझे 12 बजे ले गए थे, 12 बजे 4-4.5 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा और पूछताछ किया। फिर उसने जो मैंने बताया उनको लिखा, और लिखने के बाद मेरा सिग्नेचर वगैरह किया, मेरा सब कुछ देखा, कौन सा कपड़ा पहना क्या है सब कुछ बता लिखा उन्होंने। फिर मैंने उनसे पूछा भी भाई कि मैं भी स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तूने जब कुछ देखा नहीं तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तू वही बता रहा है जो तूने देखा। तो मैंने उनको यही बताया कि भाई मैंने इसको ऐसे देखा, तो मुझे लगा कि पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, एम्बुलेंस बुलाना ज़रूरी है। तो मैंने सिर्फ इतना किया, एक फ्रेंडशिप के नाते मैंने हेल्प किया है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। फिर उन्होंने बाद में मुझे बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो पुलिस वाले मुझे यहाँ पे सुबह छोड़ के भी गए थे। फिर बाद में एक दो दिन बात चेक करा, फिर उसने लड़के ने मान लिया कि मैंने अपने से किया, तो फिर उसमें तो ज़्यादा बवाल नहीं हुआ। तो यार बहुत से ऐसे लोग हैं, पहले पार्टी करेंगे फिर लड़ाई करेंगे, और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपकी टांग खींचने में लगे रहेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, यारी दोस्ती बनाना बहुत ज़रूरी है। जहां आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करता है तो उससे फ्रेंडशिप करो। बेवजह किसी से यार फ्रेंडशिप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप अच्छा करने जाओगे ना तो आपको टांग खींचने वाला काम करेंगे ऐसे दोस्त, जो अपने मतलब के लिए आपको यूज करेंगे। तो ऐसे दोस्ती रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पार्टी करनी है, आप अकेले रूम पे खा लो पी लो ऐश करो सो जाओ, फैमिली से बात करो, कोई टेंशन है फैमिली से शेयर करो, किसी से शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता यहाँ पे। तो ऐसा हो जाता है यार यहाँ पे, और बहुत से मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। तो सीरियसली बताऊँ, मेरे कुछ गिने चुने दोस्त होंगे, या मतलब कि मैं उतना ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, हाँ दोस्त बन जाते मेरे बहुत जल्दी बन जाते, बट तो जिसे मुझे पता होता है कि यार ये मेरे लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करने वाला बंदा नहीं है, तो मैं उसको तो सोशल मीडिया में भी फ्रेंड नहीं बनाता। और मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलती है वो चीज़ करो, बेवजह साथ में बैठ के दारू पी के लड़ाई झगड़ा बाद में करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो यार यही थी भाई की थोड़ी सी कहानी जो मुझे जितना पता है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि यार अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अपने फ्यूचर में फोकस रखिए यार। साल दो साल की स्ट्रगल होती है, दो तीन साल की बाद में ठीक हो जाएगा, और आप अपने फोकस फ्यूचर पे फोकस रहिए। दूसरे क्या करते हैं क्यों करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पार्टी करें इंजॉय करें, बट जहाँ पे आपको पता लगे कि भाई ये ओवर हो रही पार्टी तो वहाँ से घर आ जाएं, अपने रूम आ जाएं, ज़्यादा बेटर है, जो कि मैं यही करता हूँ। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई जापान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है, आप मुझे इंस्टा में या इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।